एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 ए सेट जो है वो दिया गया है 3, 5, 7, 9, 11, 12। डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो फर्स्ट है स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स माइनस 8 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ, देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ही नंबर ए सेट में है जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, यानी अगर एक नंबर भी हमको ऐसा मिल गया जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू है तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि अगर 3 माइनस 8 करें, फर्स्ट नंबर देखें तो नहीं मिलेगा 1। ठीक है, लेकिन 9 एक ऐसा नंबर है जिसमें से 8 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 मिलेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, सिंस देर एग्जिस्ट एक्स इक्वल टू 9 बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स माइनस 8 इक्वल टू 1, Therefore, given statement is true. There exist का मतलब ये होता है कि कुछ ही हमको नंबर, कुछ ही नंबर के लिए अगर ट्रू है तो ये ट्रू होगा। ठीक है, दूसरा अगर देखिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे लिखा है कि फॉर ऑल मतलब ए में जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। अगर एक के लिए भी गलत हो गई तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 3 चेक कर लेते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 3 जो है वो 12 है, 5 स्क्वायर प्लस 5 जो है वो 30 है, 7 स्क्वायर प्लस 7 जो है वो है 56। ठीक है, 9 स्क्वायर प्लस 9 जो है वो है 90, 11 स्क्वायर प्लस 11 जो है वो है 132, एंड 12 स्क्वायर प्लस 12 जो है वो है 144 एंड 12। ओके, सो 156। तो ये सारे जो है वो इवन है, यानी ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर, ये ए में मौजूद हर नंबर के लिए सही है। और यहाँ पे लिखा भी है फॉर ऑल, यानी हर एक नंबर के लिए, यानी कि गिवन स्टेटमेंट जो है ट्रू है। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर, देयरफॉर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इवन नंबर। ओके, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन 3 अगर देखें, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन पॉजिटिव। सो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए मींस कोई एक या दो नंबर के लिए भी, कुछ नंबर के लिए, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कुछ नंबर के लिए ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो कोई भी नंबर का स्क्वायर जो है वो लेस देन 0 नहीं होगा, ये हमें पता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन 4 अगर देखें, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स इज एन इवन नंबर। हमारे पास सेट जो दिया गया है वो 3, 5, 7, 9, 11 एंड 12 है। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब ए में जितने भी एलिमेंट हैं सारे जो हैं वो इवन नंबर है, तो फिर ये तो गलत है क्योंकि सारे जो हैं वो इवन नहीं है, ये सारे ऑड हैं और सिर्फ एक ही इवन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फोर्थ के लिए आंसर लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू 3, 5, 7, 9 एंड 11 विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट इवन नंबर्स। ओके, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन है, देर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब यहाँ पर देर एग्जिस्ट यूज किया गया मतलब ए में
कुछ ही एलिमेंट ऐसे हैं जो ये कंडीशन ट्रू करते हैं। तो अब हम यहाँ पर 3 रख के देखते हैं एक्स की वैल्यू। तो 3 3 9 और 8 होता है 17, जो कि 40 के से ग्रेटर नहीं है। 5 रखते हैं तो 5 3 15 एंड 18 23, विच इज नॉट ग्रेटर देन 40। 7 रखते हैं तो 29 हमें मिलेगा, विच इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन 40। अगर 9 रखते हैं जो कि 35 है, विच इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन 40। 11 अगर रखते हैं वो 41 है, येस ग्रेटर देन 40। और 12 भी अगर रखेंगे तो वो 44 रहेगा, यानी ग्रेटर देन 40। यानी कि सिर्फ कहा गया है कि कुछ ही नंबर ऐसे हैं जो सेट ए में है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, और हमें भी 2 ही नंबर मिल रहे हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर सिंस, फर्स्ट वी कैन राइट सिंस देयर एग्जिस्ट एक्स इक्वल टू 11 एंड 12 विच बिलोंग्स टू ए, सच दैट दे सेटिस्फाई दिस कंडीशन, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, फिर नेक्स्ट वाला अगर देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, 2x+9 इज ग्रेटर देन 14। अब यहाँ पर फॉर ऑल यूज किया गया, यानी कि ए में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सब ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम एक एक करके देखते हैं। 3 रखते हैं अगर पहले, तो 6+9 15 इज ग्रेटर देन 14, येस। फिर अगर 5 रखते हैं तो 5 2 10+19 इज ग्रेटर देन 14, येस। 7 रखते हैं तो अब यहाँ पर जो लोवेस्ट नंबर है उसके लिए अगर ट्रू हो रहा है तो बाकी सबके लिए तो ट्रू ही होगा। इसीलिए कह सकते हैं कि देयरफॉर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, 2x+9 इज ग्रेटर देन 14, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको डुअल लिखना है हर एक का। तो जैसे मैंने डुअल में बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, और चेंज हो जाएगा एंड में, और एंड चेंज हो जाएगा और में, टी और सी चेंज हो जाएंगे, टॉटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन, एंड ट्रू एंड फॉल्स चेंज होंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो बी एंड क्यू और आर, ये डुअल होगा। सेकेंड क्वेश्चन के डुअल के लिए पी और Q और R, थर्ड का डुअल होगा P एंड Q और R एंड S। ओके, फोर्थ होगा P एंड निगेशन। ये तो निगेशन Q पे कोई असर नहीं होगा, P और लिख देंगे एंड का और निगेशन Q, सिर्फ एंड और चेंज कर रहे हैं हम। फिफ्थ देखें तो यहाँ पर भी सिर्फ ये 3 सिंबल चेंज होनी है, बाकी सारा सब हमको वैसे ही लिखना है। निगेशन पी एंड हो जाएगा क्यू और निगेशन आर और एस। सिक्स में भी देखें तो ये 3 4 सिंबल चेंज होनी है, जहां एंड है वहां और लिखना है, बाकी ब्रैकेट निगेशन सारा सब सेम लिखना है। हो जाएगा और निगेशन क्यू और पी एंड क्यू और निगेशन आर। ठीक है, सेवेंथ में भी सिर्फ ये और एंड और चेंज हो जाएगा, बाकी स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट सारा सब सेम रहेगा। पी और क्यू ब्रैकेट क्लोज और पी एंड निगेशन क्यू और निगेशन एस ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखें तो ये सिंबल चेंज होनी है और ये सी दिया है तो इसका टी हो जाएगा, बाकी और का एंड ब्रैकेट ओपन पी और क्यू एंड आर ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 9 में ये 1 2 3 सिंबल चेंज होगी और टी का सी हो जाएगा, निगेशन पी एंड क्यू और आर, एंड दिया है तो और टी की जगह हम सी लिखेंगे। क्वेश्चन 10 में ये दोनों सिंबल चेंज होगी, एंड हो जाएगी और सी का टी हो जाएगा, P एंड Q एंड
क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, राइट द निगेशन ऑफ दी फॉलोइंग है। तो निगेशन ऑफ दी कंपाउंड स्टेटमेंट और निगेशन ऑफ दी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हमको यहाँ पे रिकॉल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर देखें तो यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड जो है वो और है। तो यहाँ पे पी हम लिख सकते हैं एक्स प्लस एट ग्रेटर देन एलेवन, और क्यू लिख सकते हैं वाई माइनस थ्री इक्वल टू सिक्स। तो पी और क्यू है, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज P और Q। सो निगेशन क्या हो जाएगा? निगेशन जो हो जाएगा वो P और Q का निगेशन कैसे याद रखे हैं? निगेशन P और का हो जाएगा एंड निगेशन Q। तो इसको अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो x प्लस एट इज नॉट ग्रेटर देन 11 एंड y माइनस थ्री इज नॉट इक्वल टू सिक्स। दोनों का निगेशन लिखना है और जो सिंबॉल है वो और की चेंज हो जाएगी एंड में। तो नॉट ग्रेटर देन 11 को हम लेस देन और इक्वल टू 11 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट अगर देखें तो 11 इज लेस देन 15 एंड 25 इज ग्रेटर देन 20। तो यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड एंड है, ये इसको पी डिनोट कर देते हैं, और Q जो है वो हो जाएगा 25 ग्रेटर देन 20। तो निगेशन P और निगेशन Q भी लिख लेते हैं। 11 इज लेस देन 15 यानी 11 इज नॉट लेस देन 15, तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 15। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। मैं दोनों तरीके से लिखना बता देती हूँ। और 25 इज ग्रेटर देन 20 मतलब 25 इज नॉट ग्रेटर देन 20 मीन्स लेस देन और इक्वल टू 20, ये निगेशन Q हो गया। तो अब हमारा जो है निगेशन क्या हो जाएगा स्टेटमेंट का? पी और पी एंड क्यू है, ये पी एंड क्यू है, तो इसका निगेशन कैसे याद किया? निगेशन पी और निगेशन क्यू। स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और 25 इज लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री जो है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रॉम्बस। तो यहाँ पर ये पी डबल इम्प्लाइज क्यू का सेंटेंस है, इसका निगेशन हमें पता है क्या होता है? पी एंड क्यू और क्यू एंड पी एंड निगेशन क्यू और क्यू एंड निगेशन पी, ठीक है। तो उसे हम दूसरे स्लाइड में सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा, पी स्टेटमेंट है क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर और क्यू सेंटेंस है इट इज अ रॉम्बस। तो इट इज मतलब क्वाड्रिलेटरल ही इज अ रॉम्बस, ओके। निगेशन पी भी मालूम कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल is not a square and negation q लिख लेते हैं, quadrilateral is not a rhombus। तो negation p double implies q वाले sentence का क्या होता है? p and negation q और q and negation p। तो हमारा जो negation हो जाएगा वो ये लिख सकते हैं, P पहले लिखना है तो क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, फिर ये सिंबल एंड निगेशन Q मीन्स इट इज नॉट अ रॉम्बस। ठीक है, और फिर लिखना है Q यानी इट इज अ रॉम्बस और इट इज अ रॉम्बस, फिर लिखना है एंड एंड निगेशन पी लिखना है मतलब इट इज नॉट अ स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर हम ये याद रखें तो डबल इम्प्लाइज का जो निगेशन है हम लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो है, इट इज कोल्ड एंड रेनिंग। तो ये पी है, ये क्यू है, और ये जो सेंटेंस है ये जो है ये कनेक्टिव वर्ड है। तो पी लिख सकते हैं हम इट इज कोल्ड, एंड क्यू लिख सकते हैं इट इज रेनिंग। तो निगेशन पी हो जाएगा इट इज नॉट कोल्ड, निगेशन क्यू हो जाएगा इट इज नॉट रेनिंग। ओके, तो अब यहाँ पे कनेक्टिव एंड है तो निगेशन क्या होगा, निगेशन हमें याद रखना है बाय सिंबॉलिक फॉर्म, निगेशन पी और निगेशन क्यू, दोनों के साथ निगेशन लगेगा और एंड का हो जाएगा और। तो अब इसको अगर हम लिख सकते हैं उसमें व्हाट सेंटेंस में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, इट इज नॉट कोल्ड और नॉट रेनिंग और इट इज नॉट रेनिंग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ इट इज रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। तो यहां पर पी सेंटेंस है इट इज रेनिंग, कनेक्टिव है इफ देन। ओके, इट इज रेनिंग। क्यू है We will go and play football. तो negation P implies Q वाले अगर negation recall करें तो इसका answer है P and negation Q, मतलब सिर्फ Q का negation मालूम करने की जरूरत है तो उसी का negation मालूम कर लेते हैं। तो we won't go and play football ऐसा आ जाएगा। इसका आ जाएगा पी एंड क्यू। ओके, पी एंड निगेशन क्यू। तो इसको सेंटेंस में अगर लिखेंगे इट इज रेनिंग, फर्स्ट सेंटेंस सेम इट इज रेनिंग पी एंड निगेशन क्यू, मतलब ये सेंटेंस लिख देना है हमको वी वोंट गो एंड प्ले फुटबॉल। थर्ड जो सिक्स्थ जो है वो डायरेक्ट है क्योंकि ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है। रूट टू इज अ रैशनल नंबर, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन सेवन देखें, ऑल आया है मतलब क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन है। तो मैंने बताया था इसमें क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के निगेशन में ऑल का क्या लिख देना है, सम, और जो बाद में जो सेंटेंस आ रहा है उसका निगेशन लिख देना है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, तो हम लिखेंगे सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर इसका निगेशन लिख देना है बस। अभी जो क्वेश्चन एट है उसमें भी फॉर ऑल आया है, तो सिंबॉलिक फॉर ऑल आया है तो इसको स्टार्ट करेंगे देयर एग्जिस्ट से, और जो बाद में जो सेंटेंस है उसका निगेशन लिख देना है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू इज डिविजिबल बाय फोर, तो हमारा आंसर आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू इज नॉट डिविजिबल बाय फोर। ठीक है, और इस क्वेश्चन में देयर एग्जिस्ट आया है तो देयर एग्जिस्ट का हम लिख देना है फॉर ऑल सच दैट, यहाँ पे इसका निगेशन लिख देना है, जो भी सेंटेंस देयर एग्जिस्ट या फॉर ऑल के बाद आएगा उसका निगेशन लिख देना है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि x माइनस 17 इज नॉट लेस देन 20, नॉट लेस देन 20 मीन्स इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। तो इस तरीके से क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है, राइट कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इफ देन कनेक्टिव है तो ही कॉन्ट्रा कॉन्वर्स और इनवर्स बनेगा। ठीक है, तो हम पहले पी लिख लेते हैं, पी इज एक्स लेस देन वाई, क्यू जो है वो है एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, निगेशन पी हो जाएगा एक्स
इज नॉट लेस देन वाई मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, और निगेशन क्यों हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हमें लिखना है कॉन्वर्स, कॉन्वर्स है क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है। मीन्स इफ इफ क्यू पहले लिख देना, यानी कि एक्स स्क्वायर लेस देन वाई स्क्वायर, देन पी लिखना है सेंटेंस, यानी एक्स लेस देन वाई। इनवर्स में हमें क्या लिखना है, इनवर्स कैसे याद किए हैं, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, यानी ये दोनों सेंटेंस लिखना है और बीच में इफ देन कनेक्टिव लगाना है। इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हमें क्या करना है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है हमारा, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, मतलब पहले लिखना है क्यू वाला निगेशन, यानी इफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। तो इस तरीके से ये तीन फॉर्मूले अगर हम याद रखेंगे तो हम कोई भी सेंटेंस का कॉन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिख सकते हैं। अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इफ द वुमेन इन इट इज लिटरेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पी है, द वुमेन इन इट, इट मीन्स फैमिली इज लिटरेट, तो हम पी लिख लेते हैं, द वुमेन इन फैमिली इज लिटरेट, और क्यू लिख लेंगे, फैमिली बिकम्स लिटरेट, निगेशन पी आ जाएगा, द वुमेन इन फैमिली इज नॉट लिटरेट, निगेशन क्यों आ जाएगा, अ फैमिली बिकम्स इलिटरेट और नॉट लिटरेट ऑल्सो वी कैन राइट। नाउ कॉन्वर्स, कॉन्वर्स में हमको लिखना है क्यू इम्प्लाइज पी, सो इफ क्यू क्या है यहाँ पर, अ फैमिली, इफ अ फैमिली बिकम्स लिटरेट देन वुमेन इन द फैमिली इज लिटरेट, ओके। इनवर्स में क्या आ जाएगा, निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, मतलब ये दोनों सेंटेंस और इफ देन कनेक्टिव है, तो इफ द वुमेन इन फैमिली इज नॉट लिटरेट देन अ फैमिली बिकम्स इलिटरेट, ठीक है। फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में निगेशन की इम्प्लाइज निगेशन पी, मतलब पहले ये सेंटेंस लिखना है फिर ये सेंटेंस लिखना है और इफ देन कनेक्टिव है, सो इफ आ फैमिली इफ आ फैमिली बिकम्स इलिटरेट देन A woman in family is not literate. Question 3 जो है, if surface area decreases, so surface area decreases, ये P है, Q will be pressure increases,
कनेक्टिव वर्ड है इफ देन। तो नेगेशन पी हम इसका लिख सकते हैं सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज, एंड नेगेशन क्यू में आ जाएगा प्रेशर डज नॉट इंक्रीज। तो कॉन्वर्स जो है वो है क्यू इंप्लाइज पी, तो प्रेशर इंक्रीजेस इफ प्रेशर इंक्रीजेस देन सरफेस एरिया डिक्रीजेस। इनवर्स में आ जाएगा नेगेशन पी इंप्लाइज नेगेशन क्यू, मतलब ये दोनों लिखना है इफ देन से। सो इफ सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज देन प्रेशर डज नॉट इंक्रीज। फिर कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है वो है उसका फॉर्मूला ये है नेगेशन क्यू इंप्लाइज नेगेशन पी, यानी फर्स्ट सेंटेंस ये सेकेंड ये, और इफ देन कनेक्टिव है तो इफ प्रेशर डज नॉट इंक्रीज देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर फोर में पी है वोल्टेज इंक्रीजेस करंट डिक्रीजेस, तो पी लिख देते हैं वोल्टेज इंक्रीजेस, क्यू है करंट डिक्रीजेस। निगेशन पी और निगेशन क्यू भी मालूम कर लेते हैं, वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज, फिर है करंट डज नॉट डिक्रीज। ठीक है, अब फिर लिखना है कॉन्वर्स, तो उसका फॉर्मूला याद रहना पड़ेगा क्यू इंप्लाइज पी, यानी पहले ये फिर ये, इफ करंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज इंक्रीजेस। फिर है इनवर्स, इनवर्स का फॉर्मूला ऐसा है कि निगेशन पी इंप्लाइज निगेशन क्यू, यानी पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है। ठीक है, सो इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज देन करंट डज नॉट डिक्रीज, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है वो है निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी, या तो कॉन्वर्स में जैसे मैंने कहा है कि दोनों सेंटेंस में निगेशन लगा के लिख सकते हैं। तो इफ करंट डज नॉट डिक्रीज और या तो इनवर्स वाले को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इफ करंट डज नॉट डिक्रीज देन वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज। तो इस तरीके से ये तीन फॉर्मूले अगर याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए आता है, कॉन्वर्स 1 मार्क, इनवर्स 1 मार्क, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, और कभी कोई भी दो चीज आ जाएगी तो 2 मार्क के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन कंपल्सरीली आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।